शहर के बाहर सड़क पर महन जी और दो चेले बातें कर रहे हैं। बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगाए। गुरु जी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। बच्चा गोवर्धन दास, तुम पश्चिम की ओर जाओ और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। बाजार में महन जी का चेला गोवर्धन दास आता है। क्यों भाई बनिए, आटे का क्या भाव है? टके सेर। और चावल? टके सेर। और चीनी? टके सेर। क्यों भाजी क्या भाव है? बाबा जी टके सेर। सब भाजी टके सेर, वाह बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीजें टके सेर। क्यों भाई हलवाई, मिठाई किस भाव है? सब टके सेर। वाह वाह बड़ा आनंद है, सचमुच सब टके सेर। हाँ बाबा जी, सचमुच सब टके सेर है, यहाँ सब चीजें टके सेर बिकती हैं। क्यों बच्चा, इस नगरी का क्या नाम है? अंधेरी नगरी। वाह 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 वाह, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। तो बाबा कुछ लेना हो तो ले जाओ। बच्चा मांग कर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। हलवाई मिठाई तोलता है और बाबा जी उसे लेकर जाते हैं। जंगल में महन जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। बच्चा यह कौन सी नगरी है? अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना सही नहीं है, जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता है। गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है, 2 पैसे पास रहने से मजे से पेट भरता है, मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊँगा। देख बच्चा, पीछे पछताएगा, मैं तो इस नगर में अब 1 मिनट भी नहीं रहूँगा। देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह देता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। महन जी नारायण दास के साथ जाते हैं और गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाने लगता है। राज्यसभा में राजा, मंत्री और सभी नौकर यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे दुहाई है कि आवाज़ सुनाई देती है। बोलो क्या हुआ? महाराज, कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। अच्छा, कल्लू बनिया को पकड़ लाओ। नौकर दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। क्यों बनिए, किसकी बकरी क्यों दबकर मर गई? महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। अच्छा, इस कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है और नौकर कारीगर को पकड़ लाते हैं। क्यों कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने चूना ही ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाला पकड़ कर लाया जाता है। क्यों चूने वाले, तुमने खराब चूना क्यों दिया? महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, भिस्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसलिए चूना कमजोर हो गया। अच्छा, उस भिस्ती को लाओ। चूने वाला निकल जाता है और भिस्ती लाया जाता है। क्यों भिस्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई? महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। अच्छा, कसाई को लाओ, भिस्ती को निकालो। नौकर भिस्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। क्यों कसाई, तुमने ऐसी मशक क्यों बनाई? महाराज गड़रिये ने टके सिर पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। अच्छा, कसाई को निकालो, गड़रिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है और गड़रिया लाया जाता है। क्यों गड़रिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी, इस कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। अच्छा, इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ लाओ। गड़रिया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़ कर लाया जाता है। क्यों कोतवाल, तुमने ऐसी शानदार सवारी निकाली कि गड़रिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी। महाराज मैंने कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के लिए जाता था। मंत्री अपने मन में सोचता है कि यह तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा ना हो कि ये बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। नहीं, तुमने इतने धूम से सवारी क्यों निकाली?
हाँ हाँ या नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली कि जिसका परिणाम यह हुआ कि बकरी मर गई? महाराज महाराज कुछ नहीं महाराज महाराज, ले जाओ कोतवाल को, इसे जल्दी फांसी पर चढ़ा दो। कोतवाल को पकड़कर ले जाया जाता है। गोवर्धन दास जंगल में बैठा मिठाई खा रहा है। गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था, माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, हम किसी राजकाज में थोड़े ही हैं कि कुछ डर हो। चार सिपाही चारों ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। कल मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। यह आफत कहाँ से आई? अरे अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ रहे हो? आप बड़े मोटे हो इसलिए फांसी लगेगी। मोटा होने से फांसी, ये कहाँ का न्याय है? अरे साधुओं से हंसी नहीं की जाती। जब सूली पर चढ़ जाओगे तब मालूम होगा कि फांसी है या हंसी। सीधी तरह चलते हो कि घिसीट कर लेके चले? बात क्या है कि एक साधु आदमी को बिना बात के फांसी पर चढ़ाना चाहते हो? बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसे ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा देना होना जरूरी है, नहीं तो सच्चा न्याय नहीं होगा। गोवर्धन दास चिल्लाता है, सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। शमशान में गोवर्धन दास को पकड़े हुए सिपाहियों का प्रवेश। हाय बापरे, मुझे बेकसूर को क्यों फांसी दे रहे हैं? अरे भाइयों कुछ तो धर्म का ख्याल करो, अरे मुझे छोड़ दो। हाय, मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का फल है। गुरुजी कहाँ हो? गुरुजी, ओ गुरुजी। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तुम्हारी यह क्या दशा हो गई है? गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी बचाइए। अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने आपका कहा नहीं माना, या उसी का फल मिला। कोई चिंता नहीं, नारायण सब ठीक करेंगे। सिपाहियों सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो, तुम लोग जरा किनारे हो जाओ। महाराज हम हट जाते हैं, आप जरूर उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले को कान में कुछ समझाते हैं। तब तो गुरुजी हम अभी फांसी पर चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, हमने इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े हुए, हमको चढ़ने दो। स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप सिद्ध है, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। इस प्रकार दोनों झगड़ते हैं, सिपाही परस्पर चकित होते हैं। भाई ये क्या मामला है, कुछ समझ में नहीं आता। राजा मंत्री और कोतवाल आते हैं। यह क्या गोलमाल है? महाराज चेला कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता, क्या बात है? बाबा जी बोलो, आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हैं? महाराज इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। तब तो हम ही फांसी पर चढ़ेंगे। नहीं हम चढ़ेंगे, हमको हुक्म दिया गया है। हमारे कारण ही तो दीवार गिरी थी। चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी कौन स्वर्ग जा सकता है, हमको फांसी पर चढ़ाओ जल्दी जल्दी। राजा को लोग फांसी पर चढ़ा देते हैं।